Sabi ko kay Yesu, Jesu, abhi action, song of action, dance ka kya bata ke honge, fir bhi ek baar wo khade ho jaye kab to bachan ko apan sune, ab uske baad us samay par aap ko mana chalta rahe. Prabhu honge sadhu. Ishwar ko yaad karna, usse prarthna, woh tumhe bachayega.
Tapi lo, amlo sama kalian semua.
उस व्यक्ति के साथ साथ जो अपना संबंध था, साथ साथ उनका प्यार था, हमने जो उनके प्रति दिया वो भी हमें याद आ जाता है। वैसा ही जब कोई व्यक्ति परिवार में गुजर करता है, उस मृत शरीर को देखते हुए परिवार के सदस्य रोते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर को देखते वक्त पास सुमन पिता
Yeah.
ईश्वर के इस राज्य के सब कुछ दिया लेकिन उन्हें इस इस रेलों का बच्चे के ताने प्रभु के कट्टर बोल कट्टर फल पाने के प्रभु ने आपको मेरे जीवन में क्या क्या मान तारीफ दी है फिर भी इतने बार इस राज्य के समान हम प्रभु को भूल जाते हैं प्रभु के कट्टर फल प्रभु के विरुद्ध हम जाते हैं हमारे न्याय का रूप प्रभु के हमारे साथ संबंध है उनके साथ हमारे संबंध हम लोगों को कहना टूटे जाते हैं क्योंकि हम भी अपने जो महान कार्य किए हैं उस कार्य को कई बार हृदय समझाया सिर्फ दिमाग से आगे नहीं जाते हैं हृदय से भी आगे हमने उनको समझाया इस तरह से हमारे जीवन में और परिवर्तन आ सकता है कहना तभी हम सब आदमी लोग बुझे रहे हैं वहाँ पर रीजन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है तर्क को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है जब हम तर्क को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं हमें ऐसा लगता है जो कुछ भी हमारे पास है ये सब कुछ हमने मैंने मेरे ताकत से मेरे कार्य से मेरे मेहनत से मैंने किया हर जगह पे मैं मेरा ध्यान देता है अनिदेव और अनिदेव के आश्रम में जब हम दीप करते तो सत्ता में वहाँ पर Thank you.
पिछले साल इसी समय कोविड का समय था, कोविड शुरू हो रहा था। हम लोगों ने देखा कोविड के माहौल में क्या क्या हो, हमारे बीच में से रहने वाले कई लोगों को हमसे विदा होना चाहिए। हम लोग विश्व उद्धार के साथ कह सकते हैं, यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता आज हम यह दिन नहीं देख पाते। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता आज हम इस हालत में नहीं होते। आज कितने परिवार के लोग जिनके पास रहने के घर नहीं है, खाने के ठान नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, संतान नहीं है, रोजगार नहीं है, कितनी समस्या नहीं है। फिर भी अगर हम अपने परिवार में देखें बहुत सारे प्रभु ने दिए हैं। जब हम दूसरों के जीवन में गरीब बुरे चुनाव को देखते हैं तब हमें याद होना चाहिए और याद होता भी है कि किस तरीके से प्रभु ने हमें नाश किया। उन घटनाओं को जब हम याद करेंगे तब हम प्रभु के ज्ञान को याद करेंगे, तब प्रभु के पास प्रभु के लिए हम जी पाएंगे। क्या बताइए ताकि हमने माता प्रभु के वचनों को भी हृदय से याद करने पर हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, हम प्रभु के लिए जी सकते हैं। उत्तम उदाहरण है संत पेत्रुस। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 में हम लोग पढ़ते हैं, जब दुर्भोग में प्रवेश करने से पहले अपने शिष्यों से कहते हैं क्या क्या होने वाला है, तब पेत्रुस कहता है, प्रभु मैं आपके साथ बलि जाने और मरने को भी तैयार हूँ। जैसे प्रभु ने कहा वैसा ही हुआ। और जब दूसरे बार पेत्रुस ने प्रभु पर स्वीकार किया वचन कहता है, और प्रभु ने मुड़कर पेत्रुस की ओर देखा तब पेत्रुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज तुमने के पान मेरे से पहले ही तुम मुझे तीन बार स्वीकार करो। पेत्रुस को प्रभु का वचन याद आया, प्रभु का नाम भी प्रभु का वचन याद आया। प्रभु के इस वचन के साथ साथ प्रभु का प्यार, जो प्रभु के प्रति उसका प्यार वो याद आया, प्रभु का प्यार उसके प्रति था वो याद आया, साथ ही साथ जो उसने प्रभु के प्रति किया अस्वीकार जो किया वो उसे याद आया और हृदय से वो रोने लगा और वचन कहता है वो बाहर सकता है फूल फूट गया रोने लगा। बच्चे उन वचनों पर ध्यान देते हुए उसको याद करते हुए जीते हैं, सुरक्षित रह जाते हैं, जीवन काम करते हैं। प्रभु ने हमारे बताए थे आपके मेरे बताए थे पूरा भाई बोल दिया प्रभु से भी कम से कम थोड़े वचनों को हम याद करते हैं, उसका मन जन करते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। कभी लोग इंसान होने के नाते कभी कभी संसार में जीते वक्त विश्वास को जीवन जीना प्रभु के लिए जीवन आसान नहीं बनता, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हम सताए जाते हैं। फिर भी अगर प्रभु का वचन हमारे दिमाग में आते हैं उसको मना जाता है मदद कर सकता है। माता मरियम के जीवन देखिए, माता मरियम के जीवन में क्या क्या कष्ट रहे थे। एक माता होकर भी अपने पुत्र का दर्दनाक मरण को देखना पड़ा, उस पुत्र के शव अपने गोद में लेना पड़ा। इतना होने के बावजूद माता मरियम के जीवन से बचाते हैं, वो हर वक्त प्रभु की इच्छा को हाँ कहते हुए अपने विश्वास में आगे बढ़े। कारण क्या था? कारण सब लोग दूसरे तरीके से कहते हैं, जो भी ज्ञानवेद ने कहा था, जो भी सिमियों ने कहा था, जो भी प्रभु मंदिर में कहा था, सब कुछ को अपने हृदय में रख करके उस पर मन चिंतन करेंगे, मन चिंतन करने के लिए हमें याद भी करना है। ईश्वर जी को जो प्रभु ने मुक्ति के लिए कहा है उसका हृदय से याद करते हैं, हमें वहाँ का शक्ति दे सकता है प्रभु के लिए जीवन, प्रभु के लिए जीने के लिए, हमारे विश्वास से आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कर सकता है। हम लोग चाहे सप्ताह में आगे बढ़ रहे हैं, पुण्य सप्ताह की ओर जा रहे हैं और आज ही कल 11 बाद हम लोग कन्फेशन जाने वाले हैं। अभी हम उसके आराधना करके लोग वचन सुनते हैं, धीरे धीरे हम
जीवन को हम लोग देखें और जो महान कार्य प्रभु ने किए हैं उनको याद करें, आज अपने साल में प्रभु की कृपा है उसको हम याद करें ताकि हम प्रभु के ज्ञान में गहराई को अनुभव कर सकें। साथ ही साथ जिस तरीके से प्रभु को हमको सिखाए थे कि कौन बात ऐसी